अपने देश के अंदर है ना करीबन उसको 80% उसको चाहता है मोदी को। क्यों चाहते हैं, क्यों लाना चाहते? उसका काम बढ़िया, जब भी चाहता है उसको। पहला प्रधानमंत्री है जो आज तक किसी ने नहीं किया वो उसने किया, पहला प्रधानमंत्री है। और देश वाले उनसे डरते हैं, मोदी जी हैं। तो कह रहा है देश बर्बाद कर दिया मोदी ने, देश बेच दिया पूरा। कौन कहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी बेच दिया होगा। अब जब वो पत्ता ही साफ होगा उनको तो बस मैचेंगे ही देश। 400 पार है? हाँ, 400 पार है। अब की बार 400 पार। 400 पार आ रही है? हाँ आ रही है। 5 किलो राशन दे रहे ना। पूछो पेंशन आ रही है नहीं आ रही, बताइए जी। काई की पेंशन? इनको पूछो राशन आ रहा है नहीं आ रहा। राशन दुनिया को मिल रहा है? मसाले आ रहे हैं नहीं आ रहे? मसाले काई के? काई के मोदी जी दे रहे हैं नहीं दे रहे? किराने की दुकान में 5 किलो राशन मिल रहा है, बीच में 10 किलो मिला था नहीं मिला? 5 किलो राशन तो पहले भी मिल रहा था। नहीं, 10 किलो मिला था नहीं मिला? कैसे काट लिए थे यार मोदी जी सरकार ने? 10 किलो राशन दिया, 5 किलो अनाज भी काट लिए थे, वो बंद कर लिया। उसने तो 5 किलो नहीं, जो प्रजातंत्र लोकतंत्र है इसमें 5 किलो राशन में वैल्यू हो गई क्या? लहर है, मोदी जी आएंगे हमेशा रहेंगे। कैलाश है? कैलाश। क्या नाम है? कैलाश जी। 10 साल में क्या किया मोदी सरकार ने? सब कुछ करिए साहब। सब कुछ करियो? हाँ। क्या कर दियो? जो भी बता गया। आपके लिए कौन बेहतर है, मोदी या राहुल गांधी? मोदी से बेहतर। मोदी बेहतर है आपके लिए? मोदी। क्यों? मोदी बढ़िया काम कर रहा है तो मोदी है। राहुल गांधी बढ़िया नहीं है? नहीं है। राहुल गांधी बढ़िया है? राहुल गांधी नहीं? नहीं। क्यों नहीं है? राहुल गांधी युवा हैं, युवराज हैं, बोले हम देश की जनता के साथ हैं। नहीं, मोदी जी है। मोदी जी। क्या नाम है आपका? अम्बेश चंद शर्मा। क्या लग रहा है माहौल? बढ़िया माहौल। राजस्थान किसके साथ है? मोदी के साथ। मोदी के साथ है? क्यों? मोदी के साथ रहेगा, मोदी बढ़िया काम करेगा, मोदी के साथ रहेगा वो तो। राहुल गांधी कौन जानता? राम मंदिर बन जाता क्या? मोदी ने राम मंदिर बन जाता कहीं जी? बन जाता क्या? राम मंदिर बना दिया मोदी ने, सबसे बड़ा ऊंचा काम कर दिया ये। इसलिए वोट देंगे? हाँ देंगे। तो राहुल गांधी से नाराज हैं आप? नहीं, नाराज कोई से नहीं है, नाराज वो भी, राहुल गांधी भी हमारा है, वो भी हमारा है। क्या नाम है? मोतीलाल मीणा। क्या लग रहा है माहौल? माहौल अच्छा लग रहा है। कांग्रेस आएगी यहाँ 15 सीट, और यहाँ 25 सीटों में से 15 सीट कांग्रेस के। 15 सीट कांग्रेस को आएंगी? 25 आएगी, 25 की 25 आएगी। कौन कह रहे हैं 15 आएगी? इनके कहने से क्या होता है? 25 मोदी जी की आएगी, राजस्थान 15 कांग्रेस सरकार आएगी, कमल का फूल की आएगी, बीजेपी। उन्होंने सही कहा, बिल्कुल ठीक है। अगर उनकी 15 कांग्रेस को मिल गई तो? नहीं मिलेगी। मिल गई तो? नहीं मिलेगी। कैसे मिल जाएगी जी? अगर 25 में से 25 अगर भाजपा को मिल गई तो क्या होगा? क्या होगा? हमारे को कोई खाने के लिए तो नहीं देगा, कोई भी आज तक दे रहा भी नहीं है। तो ये आपसे किसने कहा कि 15 आ रही है? 15 आएगी। कैसे आ रही है? अच्छी आएगी। पिछली बार क्यों नहीं आई थी? अभी हो गया नहीं है? किसको दे रहा है राशन वो? नहीं, किसको दे रहा है बताओ? पिछली बार क्यों नहीं आई थी? नहीं आई थी। सरकार कैसे चलेगी राजस्थान? वो लहर थी। 400 पार है? हाँ, 400 पार है। अब की बार 400 पार। 400 पार आ रही है? हाँ आ रही है। यूपी में मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक से मौत हो गई, पता है? पढ़ी पेपर में। क्या सही हुआ गलत हुआ? अब वो तो देखो जो भी हुआ, वैसी बनी, जैसी करनी वैसी बनी। 64 मुकदमे दर्ज थे उसके, और सजा नहीं मिली उसको, अब जाके सजा मिली है। कुछ लोग उस पर दुखी मना रहे, दुख हो रहे हैं, रो रहे हैं कि भाई गलत तरीके से उसको धीमा जहर देकर सरकार ने मरवाया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। 2002 में करी थी, कब करी थी? उसके घर वाले तो खुश हैं, वो तो खुश मना रहे हैं कि आज ऊपर वाले ने फैसला सही किया है। आज तो उसके जनाजे में हजारों की भीड़ शामिल हुई है। भीड़ है वो अपनी जगह है, लेकिन जो सामने वाले के उसके घर परिवार वाले पूरे खुश हैं। जनाजे में हजारों के लोगों की भीड़ शामिल हुई है एक माफिया डॉन के जनाजे में, ठीक है क्या? जनाजा में तो होला यार, इकट्ठा तो कर देगा। मुसलमान होने भी वही माने थे, शहीद मानते उसको भी। यही है, शहीद मान करके तो हजारों की भीड़ इकट्ठी हुई, पड़ना कहाँ जरूरत पड़ी थी? गलत काम करने वाले के पास भी तो जाना ही नहीं चाहिए। हो रहा है मेले, सामाजिक तौर से भेले हो रहे हैं, लेकिन बद तरीका से थोड़ी वेले हो रहे हैं कि जो होना चाहिए, लेकिन खुश भी हो रहे हैं। जिसका 500 गोली मारी थी वो खुश हैं कि आज फैसला मालिक ने सही। 7-8 मर्डर किए उसने। 15 मर्डर किए? 15 मर्डर किए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सर। वोट नहीं करते आप? करते हैं। तो
किस उम्मीद पर वोट करते हैं और क्यों वोट करते हैं आप? उम्मीदवार देख के। हाँ, क्या देखते हैं उम्मीदवार में? भाई जो आगे काम करवाएगा, जो आपके देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी और मोदी जी ने खूब काम करवाया है, खूब काम करवाया है। कहाँ गए वो? खूब काम करवाया है, 5 किलो राशन दे रहे ना। पूछो पेंशन आ रही नहीं आ रही, बताइए जी। काई की पेंशन? इनको पूछो राशन आ रहा है नहीं आ रहा, राशन दुनिया को मिल रहा है। मसाले आ रहे नहीं आ रहे? मसाले काई के मोदी जी दे रहे कि नहीं दे रहे? किराने की दुकान में 5 किलो राशन मिल रहा है, बीच में 10 किलो मिला था कि नहीं मिला? 5 किलो राशन तो पहले भी मिल रहा था। नहीं, 10 किलो मिला था कि नहीं मिला? कैसे काट लिए थे यार? मोदी जी सरकार ने 10 किलो राशन दिया, 5 किलो अनाज भी काट लिए थे, वो बंद कर लिया उसने तो 5 किलो। नहीं, जो प्रजातंत्र लोकतंत्र है इसमें 5 किलो राशन में वैल्यू हो गई क्या? लहर है, मोदी जी आएंगे हमेशा रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब लहर चल रही है मोदी की? हाँ है, वो तो ऐसे भी आएंगे। जादू चल रहा है? जादू क्या है, ऐसे भी आएंगे वो तो इंसान। ईवीएम को तैयार कर रखी हो? ईवीएम तैयार हो रही है। अरे तो कुछ ही बोल सकते हैं बोले वाले, कुछ ही बोल सकते हैं। ईवीएम हैक हो सकती है? अरे कुछ भी बोल सकते हैं बोले। मोबाइल हैंग हो जाता तो ईवीएम हैंग नहीं हो सकती क्या? क्या नहीं हो सकता भाई, क्या नहीं हो सकता? एक लोकतंत्र के अंदर 5 किलो राशन में वोट ले रहे हैं क्या? ये सब 5 किलो राशन वोट दे रहे हैं क्या आप लोग? ये दे रहे होंगे, हम तो नहीं दे रहे। आप वोट क्यों दे रहे हैं मोदी को? उम्मीदवार अच्छा है, आगे काम करवाएगा, अभी करवा रहा है। क्यों क्यों दे रहे हैं? सब कुछ करवाया, मोदी को क्यों लाना चाहते हैं? सब कुछ किया है उसने और सब कुछ कर रहा है अपने देश के अंदर, है ना। करीबन उसको 80% उसको चाहता है मोदी को। क्यों चाहते हैं, क्यों लाना चाहते हैं? उसका काम बढ़िया, जब भी चाहता है उसको। पहला प्रधानमंत्री है जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो उसने किया, पहला प्रधानमंत्री है। और देश वाले उनसे डरते हैं, मोदी जी हैं। तो कह रहे हैं देश बर्बाद कर दिया मोदी ने, देश बेच दिया पूरा। कौन कहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी बेच दिया होगा। अब जब वो पत्ता ही साफ होगा उनको तो बस मैचेंगे ही देश, वो तो कुछ भी करता है। कांग्रेस का पत्ता साफ है, मोदी ने देश बेच दिया। विकास के बारे में देखो, फर्स्ट डिमांड थी बेरोजगारी की, वो इनसे हल नहीं हुई क्या? मंदिर से और 370 हटने से बेरोजगारी नहीं मिटेगी। मेन काम था, चाहते कि राम मंदिर का मुद्दा जैसे 500 साल से चल रहा था ऐसे चलता रहना चाहिए यार। उसमें कितनों को रोजगार देगा राम मंदिर? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। राम मंदिर से पेड़ थोड़ी भरेगा, पेड़ तो इंडस्ट्री डेवलप करोगे उसमें आदमी को रोजगार लगेंगे, उससे भरेगा पेड़ तो। ठीक है, आप क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम कैसे राम, जैसी राम। ठीक है, माता पिता हैं अभी नहीं आपके? नहीं नहीं है। कभी उनके पैर छुए आपने उनके? बिल्कुल छुए, बिल्कुल छुए। उनसे पैर छूने के बाद में आपको क्या मिलता था? आशीर्वाद। आप पूजा करते हैं? क्यों करते हैं, क्या मिलता है आपको? आशीर्वाद। राम का मंदिर बनने से रोजगार का क्या संबंध है? रोजगार की कैसे बंद? भूखे पेट से भजन होता है? राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, भूखे राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। मेरी बात सुनो, भूखे पेट से भजन होता है क्या? होता है क्या? तुम्हारे पेट में कुछ नहीं हुआ फिर भजन होगा क्या? आवाज ही नहीं निकलेगी तुम्हारी। राम मंदिर मुद्दा नहीं है, नहीं बनना चाहिए था। नहीं, मुद्दा सही है। जब 500 साल से आज तक राम मंदिर किसी नेता ने नहीं बनाया, उसने बना दिया। बिगड़ झगड़ा बिगड़ कोई गाड़ कर नहीं तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती जब बनता, बिगड़ लड़ाई बिगड़ राम मंदिर बन गया। ये मुद्दा नहीं है क्या? 500 साल पुराना। अर्पित नाम है। अर्पित जी, क्या माहौल लग रहा है अभी राजस्थान के दिल में? क्या है इनकी टी शर्ट पर तो राजस्थान मोदी के साथ? बिल्कुल, इस बार 25 की 25 राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 25 की 25। जोर से बोलिए, इनको आवाज़ नहीं आ रही है। बिल्कुल साहब, 25 की 25। कितनी आ रही है? 25 में से 15 कांग्रेस की। 25 की 25 बीजेपी। पिछली बार जैसे दो बार चुनाव हुए हैं दोनों में से, अब दोनों में से सही कौन है? आप दोनों राजस्थानी हैं। अब वो उनकी राय है सर, ये मेरी राय है। राय तो एक तो गलत होगी, राय दोनों की तो बराबर नहीं होगी। बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी। अब आप कहने लगे नहीं साहब, तो पीओ के आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे जाएंगे और ऐसे आ जाएगा, वो संभव नहीं है ना। कितनी सीट आ रही है? 25। कितनी सीट आ रही है? 25 भी कितनी आ रही है अब मालूम नहीं।